भाई मेरी बात तो सुने। कौन है माजी? अमीना कलाम। शुक्र है बेटा तुम आ गई हो, वरना मुझे लग रहा था मैं किसी और घर में आया। अंकल आप अंदर आइए ना। ओए तू इन्हें अंदर क्यों बुला रही है? माँ जी हमीद अंकल है, पापा के दोस्त। ला अंकल सामान मुझे दे दे। ओए ये हमारे लिए सामान भी लाए। लाए जी मुझे दे। छोड़ दे। चलिए जी चलो 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 जी। सॉरी बेटा मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं अंकल क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये बैग तो बड़ा भारी है, इसमें है क्या? कपड़े हैं इसमें। वो आप हमारे लिए कपड़े भी लेकर आए? ये मेरे जाति कपड़े। और हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। ले तो फिर खुद उठाओ ना इसको। माँ जी अंकल आप बैठे ना, मैं नबील को बुलाती हूँ। थैंक यू बेटा। नबील नबील अमीर अंकल आए हैं। अरे अमीर अंकल ये हमारे लिए कुछ नहीं लाए। कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कुछ काम हो रहा है ऐसे ही घूम रहे? भाई कुछ तो सोचा होगा ना तुमने, या सारी जिंदगी इसी तरह सुसर के पैसों पे अयाशी होगी? जानू ये मेरी हटाने आया या? ये बातें तो होती रहेंगी, आप प्लीज बैठे ना। ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताएं आप क्या खाएंगे? हाँ बेटा फ्लाइट में खाना तो मैंने खा लिया था। शुक्र है। बस बेटा चाय के साथ कुछ मंगवा लो। क्या मंगाऊं? मेरा इस वक्त शीरमाल और खीर खाने को बहुत जी कर रहा है। अच्छा नबील जरा शीरमाल और खीर ले आओ। बेटा समोसे मिल जाएंगे इस वक्त? बिल्कुल मिल जाएंगे। और जलेबियाँ? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी। नबील जाओ जाकर लेकर आओ। बेटा थोड़ी कचौरियाँ भी पकड़ लेना। उतर इसके लिए एम्बुलेंस भी पकड़ लेना। चना चाट कहीं मिलती हो तो ले आइएगा। अंकल आप रात का खाना नहीं खाएंगे? अरे बेटा रात का खाना तो मैं पेट भर के खाता हूँ, ये तो जरा चाय के साथ हल्का फुल्का मंगवा रहा हूँ मैं। हल्का फुल्का? नबील जरा कमरे में जाके मेरे पर्स से 2000 रुपए निकालो और अंकल के लिए खाने को ले आओ। हाँ और जल्दी जाओ इससे पहले कि अंकल को कुछ और याद आ जाए। वो अंकल को जो याद आएगा वो कुछ और होगा। माजी महमूद साहब का है? कौन महमूद? के शोहर यार। वो ना आ रहे हैं। अंकल जाए आप भी नहा ले। नहीं बेटा मैं अकेले नहाता हूँ। अंकल हमारे घर में 3 बाथरूम्स हैं। ओह अच्छा 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 ठीक है मैं नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद लॉन में बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है। इसको भी भेजा इसके साथ एक्स्ट्रा खर्चा भी भेजा। हाँ माँ जी 2-3 दिन की तो बात है फिर चले जाएंगे। हाँ हमें कंगाल करके। छोड़े ना यार चले मैं से चाय बना। चुप है तेरे अब्बे का दोस्त है तो खुद चाय बना जा। आप उतर ले सामान। हाँ माँ जी शीरमाल तो नहीं मिला, मैंने जलेबी और समोसे ला के किचन में रख दिए। वैसे वैसे चल आ जा, इसी बात पे हम माँ बेटे ना एक सेल्फी बनाते। ओ माँ जी सेल्फी में तो सिर्फ आपका मुंह आएगा। ओ नहीं पुत्र ये क्यों मोबाइल S2 है ना, इसके वाइड एंगल कैमरे से जो सेल्फी बनती है इसमें तू भी आ जाएगा। आ जा, बल्कि हमारी पूरी फैमिली की एक ग्रुप सेल्फी आ सकती है। अच्छा हाँ लाए माँ जी मैं बनाता हूँ सेल्फी, वो भी सेल्फी स्टिक के साथ जो क्यूब मोबाइल S2 के साथ फ्री मिलती है। आ जाए ये चीज मेरे अजीज। नहीं इसमें मुंह बहुत बड़े आ रहे हैं, इसमें नाक बहुत बड़ा आ रहा है, ये ठीक है। क्या हुआ भाई? कौन हो तुम? मैं खूबसूरत का अंकल हूँ अमीर। अबे तू तौलिया बांध के बाहर क्यों आ गया? क्योंकि तौलिया उतार के आ नहीं सकता था भाई, ये शो बच्चे भी देखते हैं। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? ओ जाओ जाके कपड़े पहन के आओ बाहर। असल में मेरे कपड़े बाहर हैं, वही लेने आया था मैं। अरे तू बाहर इस हुलिये में जाएगा तो मोहल्ले वाले पत्थर मारेंगे। बाहर मेरा मतलब है लाउंज में। अरे तू कपड़े लाउंज में उतार के गया था? और यार लाउंज में मेरा बैग है उसमें कपड़े। अबे तो लेके जाए ना फौरन। ले जाता हूँ ना। नाश्ता लग गया आ जाए। आहा, आ रहा हूँ। कब बता किसी ने समोसे को हाथ लगाया तो? अबे समोसे तू तो अंदर जा जल्दी से, अंदर से जल्दी हो। बहुत अच्छे के बाद जलेबियाँ खा रहा हूँ। लग रहा है मुझे तो लग रहा है जिंदगी में पहली बार कुछ खा रहे हैं। हाँ तो हमसे पूछ भी नहीं रहे ना। पूछा था मैंने, मुंह में समोसा था शायद आवाज नहीं आई। ना तो आपके मुंह में समोसा था, मेरे कान में तो समोसा नहीं था ना, कि मुझे जो आवाज नहीं आई है। जी क्या कर रही है अंकल, बुरा मान जाएंगे। और मान जाए बुरा, कौन सा बुरा मान के इसने जलेबियाँ छोड़ देनी है। यार नबील इस शख्स को इस तरह खाता देख कर मुझे कहीं उल्टी ना हो जाए। महमूद साहब
आपको अगर उल्टी हो तो आपको कसम है आपने यही कर ली। आप ले आप ले आप ले शकीर अंकल लगता है आपके दांतों में ना समोसे का छिलका फंसा हुआ है। हाँ अंकल आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ये मेरे सामने के 6 दांत सोने के और बाकी जागने के। नहीं वो सोना नहीं प्योर गोल्ड। क्या हाँ जब मैं सऊदी गया था ना वहाँ लगवाए थे एक एक दांत 10-10 लाख रुपए का। 10 लाख का दांत? हाँ नबील ये हाथी के दांत कितने के होते हैं? मुझे क्या पता महमूद साहब, मैं उसके दांत साफ करता रहा हूँ मुझे क्या पता। अंकल आपके क्या दांत टूट गए थे? नहीं बेटा जहाँ मैं रहता हूँ ना साउथ अफ्रीका में वहाँ चोरियाँ बहुत होती है, कैश लेके घूम नहीं सकता इसलिए मैं हर 2 महीने के बाद एक दांत लगवा लेता हूँ। और कभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो तो अपना दांत निकाल के देते थे। अरे नहीं भाई इतने पैसे तो रखता हूँ ना मैं। अच्छा भाई अब थोड़ा आराम कर लूँ मैं। वो जो आप थोड़ा सा करेंगे वो आराम होगा जी। अच्छा जी आइए अंकल मैं आपके आराम की अरेंजमेंट करता हूँ। आखिरी आराम ना कर रही था। नबील ये आदमी तो चलती फिरती सोने की कान है। ना जी उसके कान में नहीं मुंह में सोने के दांत हैं। मैं वो ही कह रहा था यार एक एक दांत 10 लाख रुपए का मामू साहब। सोचो नबील अगर हमीद अंकल के दांत हमें मिल जाए तो कितना मजा आएगा। क्यों जी आपको अपने दांतों से खाने का मजा नहीं आता? यार तुम तो चुप करो मैं दांत खाने के लिए नहीं मांग रहा। ना तो फिर आपने उनके दांतों से अखरोट तोड़ने? ओ माँ जी उनके दांत सोने के हैं, अगर हमें वो दांत मिल जाए तो हम अमीर हो सकते हैं। हाँ मोमो और वैसे भी वो हमारे मेहमान हैं, उनके दांतों पे हमारा पूरा हक है, क्यों नबील? हाँ महमूद साहब उन्होंने तो वैसे भी कुछ अरसे के बाद मारी जाना है तो इससे बेहतर है कि उनके दांत कीड़े खाए, हमारे काम आ जाए ज्यादा बेहतर है। अरे उसके दांतों में कीड़े भी हैं। यार तुम अपनी माँ को छोड़ो ये सोचो कि वो दांत हमें मिलेंगे कैसे। वो यार सोचना क्या महमूद साहब हमीद अंकल अभी सो रहे हैं चुपचाप जाते हैं और उनके दांत तोड़ के ले आते हैं। वो सो रहे हैं मरा हुआ नहीं है कि तू उसके मुंह से दांत कड़े तो उसको पता ना चले। वो यार माँ जी आप तो चुप करें ना। आए महमूद साहब एक ट्राई मारते। वो जो हमने मारनी है वो ट्राई है। आओ जी चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। नबील सॉरी अंकल क्या हरकत की है तुमने नबील? ओ जानू जानबूझ के थोड़ा किया, वो हथौड़ी मेरे हाथ से छूट गई और क्या क्यों मैं मुसा। तुम हथौड़ी लेके वहाँ कर क्या रहे थे नबील? हाँ ये बता बच्चू। जानू हम वहाँ क्या कर रहे थे हथौड़ी के साथ? मैं मुसा हम क्या कर रहे थे वहाँ थोड़ी के साथ यार? मुझे क्या पता मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था खूबसूरत, मैं तो इसके साथ क्या था। तुम बताओ ना तुम हथौड़ी के साथ क्या कर रहे थे नबील? जानू वो एक्चुअली ना वो क्या था कि वो हाँ कील थी बेड के कॉर्नर पे, मैंने सोचा कि वो उसको ठोक दूं कहीं ऐसा ना हो कि अंकल के सर में लग जाए। वो और कील क्या मेरे मुंह में थी जो मेरा मुंह ठोक दिया तुम लोगों ने। अंकल मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा ये दर्द ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने मुझे पहले से वार्निंग दे दी थी कि अगर कभी भी इस पे चोट लगी तो दांत निकलवाने पड़ेंगे। हाँ अब मुझे अपने सारे सोने के दांत निकलवाने होंगे। महमूद साहब आप ना हथौड़ी लेके आए अभी निकाल देते अंकल के दांत। हाँ ठीक है। क्या बस अंकल थोड़ी सी तकलीफ होगी थोड़ी सी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नबील? खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की। बेटा जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ अब नबील डॉक्टर को फोन करो। अभी बुलाता हूँ जल्दी निकालो नंबर है ना तुम्हारे पास? मिलाओ मिलाओ मिलाओ। हेलो शाहिद 612 दिहाड़ी आ गई है जल्दी पहुँच जल्दी डॉक्टर आ रहे हैं अंकल। इतनी जल्दी हमने पहले से ही लाइन अप किया होता है। वैसे
भाई अब क्या हो गया, क्यों बुलाया मुझे इतनी इमरजेंसी में, क्यों बुलाया है? ओ भाई आहिस्ता बोल, क्या हो गया? तेरे पास काम नहीं कहा है? राइटर को दुआएं दे जो दो तीन सीन लिख देता है तेरे। बस दो तीन सीन? हाँ अच्छा, मुझे करना क्या है? दाल निकाल ले। बस इतनी सी बात? ये ले। अबे तूने दाल नहीं निकाल ले तो फिर किसने निकालने? खूबसूरत के अंकल आए हुए हैं। अच्छा वो दांत निकालेंगे? ओ नहीं भाई, उनके दांत निकाल ले। हाँ तो कौन निकालेगा? तू निकालेगा चमड़ू सौर कौन? अरे महमूद साहब क्या हो गया आपको? अभी नबी भाई ने मना किया, तूने दांत नहीं निकालने। ओ भाई खूबसूरत के अंकल आए हुए हैं, उनके दांत में दर्द हो रहा है और तूने वो दांत निकाल ले। और अगर मैं दांत की जगह उनका दर्द निकाल दूं तो? कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 10 जूते पड़ेंगे तुझे। हैं? ओ भाई जितना तुझे बोला जा रहा है उतना ही कर, मेरा पहले गला खराब है। 5,000 तुम्हें दूंगा, तूने सिर्फ उनके दांत ही निकाल ले। हाँ ठीक है, कहाँ से निकालने? अबे मुंह से दांत निकाल ले, और कहाँ से निकाल ले? अच्छा फिर उनका मुंह कहाँ है? चल मैं तुझे उनके मुंह के पास लेके जा। अंकल डॉक्टर आ गए। अरे नबी भाई आप मुझे अंकल क्यों कह रहे हैं भाई? भाई अंकल तो मैं उन्हें कह रहा हूँ। अरे वाह आप भी डॉक्टर हैं? अबे डॉक्टर तुझे बोल रहा है। अच्छा ओ भाई अंकल, अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ सब ठीक हो जाएगा। अब आप काम कीजिए, यहाँ सोफे पे आराम से लेट जाइए। सब आइए प्लीज, आराम आराम से आइए, तकलीफ ना हो, आराम से। अच्छा भाई खवातीन जो है ना वो जल्दी से कमरों में चली जाए, क्योंकि मुझे इनका मुंह खुलवाना है। ना मुंह खुलवा के तूने उसमें से गालियां निकलवानी है जो हमें अंदर भेज रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा भाई अंकल अब अपना मुंह खोलिए, खोलिए मुंह, अंदर बैठ के निकालेगा। अरे भाई मुंह तो खोलिए, नजर नहीं आ रहा कुछ। अबे तूने क्या इनके मुंह के अंदर उतर कर इनका मुआयना करना जो इतना मुंह खुलवा रहा है? भरोसा मुझे लगता है ये इनके मेदे में जाएगा। अरे भाई मुझे इनका इलाज करने दे, जिस तरह ना करो प्लीज। ओ मैं चुप करे नहीं यार। ओह भाई आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे अंकल, आप ब्रश नहीं करते क्या? सब दांत पीले नहीं हो रहे। अरे भाई वाकई पीले हो रहे, आप खुद आके देख ले। ये सोने के दांत हैं। क्या? यार महमूद साहब आप भी बिल्कुल अजीब आदमी है, अपने बच्चे के दांत निकलवा के उनके मुंह में लगवा दिए। अरे ये मेरे बच्चे सोने के दांत नहीं है, ये असली वाले सोने के दांत है, गोल्ड के। क्या? फिर तो मैं अंदर कमरे में ले जाकर इनके दांत निकालूंगा। क्यों भाई? अरे भाई अंदर कोई बिल्ली बिल्ली ले गई तो आप लोग तो मुझे पकड़ेंगे ना। इतने बड़े आदमी को बिल्ली कैसे लेके जा सकती है? अरे माँ जी मैं इनके ना इनके दांतों की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है इनको कमरे में ले सकते हैं। आराम से आइए, आराम से मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। यार नबील ये अंकल कैसी आवाजें निकाल रहे थे? यार नबील यार ये किस किस्म का डॉक्टर है यार, उसने 6 सोने के दांत निकालने में 2 घंटे लगा दिए। ओ पुत्र कहीं वो दांत लेके भाग तो नहीं गया? ओ माँ जी अंदर से कहाँ भागेगा, खूबसूरत भी तो अंदर है। यार नबील ये अंकल से हम सोने के दांत लेंगे कैसे? महमूद साहब वो मैंने सोच लिया है, बस एक बार अंकल के दांत बाहर आने। खुश खुश मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो नबील भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो रहे? अच्छे दांत हुए हैं। हाँ ये देखो मेरे हाथ में। खबरदार जो इन दांतों पर बुरी नजर डाली। ओ जानू मैं तो ऐसे ही अपनी आंखें ठंडी कर रहा था यार। यार नबी भाई मुझे मेरी फीस की जगह एक दांत नहीं दे सकते? तुझे एक लाभ ना दो उसकी जगह। हेलो जी पापा। हाँ हाँ सब ठीक है, वो बस हमीद अंकल के दांतों में तकलीफ थी ना। हाँ हाँ उनके सोने के दांतों में तो जी। ये क्या कह रहे हैं पापा? अच्छा तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ओके क्या हुआ जानू? अभी पापा का फोन था, वो कह रहे थे कि हमीद अंकल के दांत पीतल के हैं, सोने के नहीं। हाँ और उन दांतों की वजह से उनको काफी अरसे से दर्द था जो दांत निकलवाने की वजह से खत्म हो गया। तुम लोगों का शुक्रिया,
अबे तूने हमसे झूठ बोला कि तेरे दांत सोने के? हाँ, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, और मैंने ये भी झूठ बोला कि मैं साउथ अफ्रीका से आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मेरे दांतों में एक अरसे से दर्द था और यहाँ आकर मैंने झूठ बोला, वरना मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दांत निकलवा सकूं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से भाई, नबी भाई बात दोस्तों ये है कि ये पीता के दांत पकड़े आप और मुझे मैं फिर दे दे बात। तुम्हें अभी भी चाहिए ना? हाँ भाई। महमूद साहब, इसने अंकल के दांत निकाले, इसके हम दांत निकालेंगे। अबे ए वासन, छोटी शर्ट वाली बता, तू खूबसूरत का शौहर है ना? मैं ही हूँ वो बात नसीब। अबे ये तोहफा ना मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, तेरे लिए। ओ भाई, तू चाहता क्या है यार? मैं ना खूबसूरत से शादी करना चाहता हूँ, बस, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ खूबसूरत। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें नीला रंग पसंद है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें खाने में पास्ता पसंद है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अपने मियां नबील से नफरत है। ओ पुत्र, अगर ये तुझे इतना जानता है तो कर लेना शादी इससे। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ यार। हाँ तो ये भी तो मेरे पुत्र जैसा है। कितने बेशरम और घटिया आदमी हो नबील, उस आदमी के डर से तो मुझे तलाक देने का सोच रहे हो। ओ यार, वो मुझे जिंदा जलाने की धमकियां दे रहा है। तो क्या हुआ, जलाने दो। चल यार चल उस पार।